युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 31 दिसंबर 2019 दिन मंगलवार, पौष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज पंचमी तिथि दोपहर 4:01 तक रहेगी और उसके पश्चात षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर 12:43 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 2:57 से लेकर 4:14 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, आने वाला नववर्ष 2020 आपके लिए और आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए मंगलमय रहे, सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, इस कामना के साथ हम अपने शनि मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन कराने जा रहे हैं जो कि 1 जनवरी 2020 को होगा। इस यज्ञ में भागीदार बनने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और इस यज्ञ में भाग लेकर अपने और अपने परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। अब मैं बताने जा रहा हूं मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज व्यवसाय करने वाले लोगों को कार्यस्थल पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आज वर्कर्स काम करने से इनकार कर सकते हैं क्योंकि वह आपसे नाराज हैं। इसलिए आज अपने वर्कर्स को आपको समझा बुझाकर उनका प्रोत्साहन करना चाहिए और उनकी सभी डिमांड्स को कंसिडर करना चाहिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं या आपके बच्चे बीमार रहते हैं या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते। स्टूडेंट्स भी आज भ्रमित होकर कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट करने में अपना समय व्यर्थ कर सकते हैं और इसलिए स्टूडेंट्स को आज जरूरत है कि वे केवल अपने पुराने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करें और कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने से परहेज करें। यदि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं और एग्जाम्स में नंबर कम आने से उनका मनोबल गिरता जा रहा है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिससे आप सदैव अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेंगे और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। आज काले वस्त्र साधु को दान करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। मीन राशि वालों,
अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या मेहनत करने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मोती की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको वो चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जिससे यदि आपको या आपके सगे संबंधी को किसी की बुरी नजर लग गई है तो वह नजर उतर जाएगी। आज आप नजर लगे हुए व्यक्ति के ऊपर से 225 ग्राम फिटकरी को 21 बार उतारकर किसी चौराहे पर फेंक दें तथा पीछे मुड़कर ना देखें और घर वापस आ जाएं। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति से बुरी नजर का असर खत्म हो जाएगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूं। मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे इनके जो चैनल में इनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो उनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उनको उन्होंने सुना और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के रत्न जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया ये मेरे को अंगूठियाँ पहनाई। और मेरे को जिस दिन से पहने कहने मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे को मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार शनि मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिले। आपका काम था पहले दुबई में काम था या बाद में शुरू हुआ है? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहाँ पर कुवैत में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर, तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।